Hello everyone, welcome to the Dreamers English Zone. So here I am Akash, Akash Jain. Basically I am from Agra and passionately I am a spoken teacher and a motivator also. And if you want to get improvement in your personality, so definitely I will suggest you in a many ways. So let's see. Once again here we are to learn a new topic, and that is use of their. आपने देयर के बारे में सुना तो बहुत होगा, तो सिंपल आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ देयर. देयर व्हाट एवर द थिंग्स वी कांट सी दिस टाइम फ्रॉम द आउटसाइड बट वी नो अबाउट इट. मींस जो भी बाहर की चीजें हम इस समय देख तो नहीं सकते पर हम उसके बारे में जानते हैं. जो भी चीजें हमें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन हमें उसके बारे में मालूम है, हम उसका यूज देयर के साथ कर सकते हैं और इजीली सेंटेंस बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम उसके सेंटेंस बनाते हैं. सिंपल सेंटेंस है, देयर इज अ गार्डन. अब जैसे कि सबको पता है कि आजकल हर कॉलोनी के आसपास कोई ना कोई गार्डन होता है, तो मैं लोगों को बता सकता हूं देयर इज अ गार्डन. क्या बोला जा सकता है? देयर इज अ गार्डन. सेकेंड इज देयर इज अ मोटेल. आई थिंक आप लोगों के लिए वर्ड न्यू होगा मोटेल. मोटेल का मीन्स होता है ढाबा. आई थिंक आपने हाईवेज वगैरह पे देखा होगा कि बहुत सारे ढाबे होते हैं, तो उनको बोला जाता है मोटेल. क्या बोला जाता है? मोटेल. तो हमारा सेंटेंस है देयर इज अ मोटेल एंड देयर आर मैनी मोटेल्स. अगर एक है तो देयर इज अ मोटेल, और अगर एक से ज्यादा है तो देयर आर मैनी मोटेल्स. ओके, सो वंस द सेकेंड इज देयर, देयर आर सम बॉयज. अब मैंने कहा कि वहां पर कुछ लड़के हैं, तो सेंटेंस क्या बना? देयर आर सम बॉयज. पास्ट में भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, और पास्ट में सेंटेंस है देयर वॉज अ एरोप्लेन. मैं ग्राउंड में गया और मैंने देखा वहां पर एक हवाई जहाज खड़ा है, तो मैं बोल सकता हूं देयर वॉज अ एरोप्लेन. वहां पर एक एरोप्लेन था. सेकेंड इज देयर वर मैनी किड्स, और वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, तो देयर वर मैनी किड्स. तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से देयर के साथ पॉजिटिव में यूज किया और पॉजिटिव में प्रेजेंट में और पॉजिटिव में पास्ट में सेंटेंस बनाए. और अगर हम इफ वी कैन यूज इन द पॉजिटिव सेंस, सो वी कैन यूज इन द नेगेटिव सेंस ऑल्सो. तो देखते हैं नेगेटिव में, देयर इज नो पार्क. अगर हम बोल सकते हैं कि यहां पर एक गार्डन है, सो वी कैन से ऑल्सो कि यहां कोई पार्क नहीं है, देयर इज नो पार्क. क्या बोला जाएगा? देयर इज नो पार्क. वी कैन से देयर इज नो टीचर. वहां पर कोई टीचर नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? देयर इज नो टीचर. थर्ड इज देयर इज नो पार्किंग, मतलब वहां पर गाड़ी पार्क करने के लिए कोई पार्किंग ही नहीं है, देयर इज नो पार्किंग. पास्ट में जाएगा तो भैया देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था, देयर वॉज नथिंग. और नेगेटिव में एक और जाएगा, देयर वॉज नो विंडो, वहां कोई खिड़की नहीं थी, देयर वॉज नो विंडो. तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से देयर का यूज किया. अब आप जिन चीजों को बाहर देखते हैं, जानते हैं, आप बोल सकते हो यहां पर एक ताजमहल है, देयर इज अ ताजमहल. आगरा कैंट स्टेशन है, देयर इज अ रेलवे स्टेशन. यहाँ पर एक पार्क है, देयर इज अ पार्क. वहां पर एक स्कूल था, देयर वॉज अ स्कूल. वहां एक कॉलेज था, देयर वॉज अ कॉलेज. वहां पर एक फंक्शन था, देयर वॉज अ फंक्शन. तो हमने यूज किया प्रेजेंट में, हम यूज कर सकते हैं पास्ट में, हम यूज करेंगे अब नेगेटिव में. और नेगेटिव में बोलेंगे देयर वॉज नो फंक्शन, देयर वॉज नो गार्डन, देयर वॉज नो पार्टी, देयर वॉज नो कोचिंग, देयर वॉज नो स्कूल, देयर वॉज नो कॉलेज. तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको यूज किया. तो बस आप भी इसको यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए. अपने दोस्तों को यूज करवाइए, अपने फ्रेंड्स को यूज करवाइए, अपने रिलेटिव्स को यूज करवाइए, और अपनी इंग्लिश की समस्या को दूर कीजिए. तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. थैंक यू.